बनाना। तो हमने जो है कुछ पर्चे बनाए हुए हैं और उस पर्चियों में हमने क्या रखे लिखा हुआ है, मात्राएं लिखी हुई हैं। तो कोई भी बच्चा आए, जिस बच्चे को हम बोलेंगे वो बच्चा आएगा और इससे क्या करेगा, मात्रा इसमें देखे लिखी हुई है और उसको देखेगा और उससे दो शब्द बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों? चलिए तो अब आता है फर्स्ट नंबर पे आता है सौरभ। सौरभ तुम याद है क्या? लिखो लिखो।
गुड। क्या क्या शब्द लिखे आपने? मूली। गुड, क्लैपिंग करो कार्तिक के लिए। चलिए अगला नेक्स्ट बच्चा है हमारा। रितिका, रितिका ये देखो। किसकी मात्रा है बच्चे आपके पास में? अओ की मात्रा। अओ की मात्रा है ना। चलिए अब आप इससे दो शब्द बनाइए। चलिए क्या क्या लिखा है बेटा आपने? नौकी और नौका। चलिए क्लैपिंग कीजिए। चलिए अब है नेक्स्ट बेटे बच्चा पाखी। पाखी कम बेटा इसकी है ये मो की मात्रा। चलिए देखो क्या लिखा है इन्होंने? मोर चोर। मोर और चोर। चलिए क्लैपिंग कीजिए पाखी के लिए। अब है नेक्स्ट है हमारी नीलम। नीलम कम बेटा। चलिए बेटा आई की मात्रा है। क्या लिखा बेटा आपने? नैना और मैना। तो समझ में आया बच्चों? क्लैपिंग कीजिए। किसकी मात्रा है ये? छोटी की मात्रा। चलिए आप छोटी की मात्रा से दो शब्द बनाइए बेटा।
करके बताइए। और सितार। चलिए आकाश के लिए क्लैपिंग कीजिए। अब तो सारे बच्चे समझते होंगे ना, आप सारे बच्चों को याद होगी होगी, तो हम जैन मात्राओं से शब्द किस तरीके से बना सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, पता है आपको? समझ में आ गया ना? चलिए क्लैपिंग कीजिए।